यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने साफ सफाई की हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, पूरे पानी डाल रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे टाइल्स लाने जाना है। टाइल्स आने से पहले ये पूरे घर को ये भिगा देते हैं। पूरे घर को भिगाने से क्या होता है आप ही बता दीजिए तो। अच्छा सेट होगा। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा, तो इसीलिए सारे घर को ये भिगा दिए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कैसे भिगा रहे हैं बाल्टी में पानी लेकर के, ये सब भीग चुका है। अब इसकी हम लोग और पूरा सामान ये सब खाली करना है, आप लोग देख रहे हैं ना सब, इससे पहले ही तैयारी शुरू हो गई है नए घर के लिए। तो ये सीढ़ी भी इन्होंने पूरी भिगा दी है, आप लोग देख ही रहे हैं, ये देखिए ये जितनी सीढ़ी ये पूरी भीग गई है। अब हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्द। हाँ, तो इसीलिए आप पहले से सीढ़ी सब भिगा रहे हैं। नहीं अच्छा, बच्चे लोग भी बहुत खुश है कि हम लोग कब नए घर में जाएंगे, खास करके रोहित। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए सुबह सुबह का समय है, रोहित क्या कर रहे हो इतना जल्दी, आज नाश्ता खा रहे हो? टाइल्स लेने जाना है आज रोहित और इसके पापा टाइल्स लेने जा रहे हैं, देखने देख करके आएगा ना डिजाइन कैसा कैसा है, तो कौन सा अच्छा लगेगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आई होप कि मेरा अभी मैं जब जाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा ब्लॉगिंग। कितने दिनों से बाहर का ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो हाँ। यहाँ पे लॉकडाउन आधा खुल चुका है 12 बजे तक, तो हम लोग जा रहे हैं उसी समय देखने, और मैं भी जाती हूँ तुम लोग के साथ, पर आयुष छोटा है तो नहीं जा रही हूँ, नहीं तो वो भी गुस्सा है, बोला मैं भी जाऊंगा। तो चलो रोहित नाश्ता खाओ और पापा के साथ जाओ, उधर ही का ब्लॉग दिखाना सबको, ठीक है? तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर, यहाँ तेजपुर में ये बहुत फेमस है सिटी सेंटर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलता है हार्डवेयर का, अभी हम यहाँ से टाइल्स लेंगे। तो आप सभी का आशा और अंकु के ब्लॉग में स्वागत है। तो रोहित जा चुका है टाइल्स लेने के लिए, वैसे रोहित ने बहुत अच्छा टाइल्स चूज किया है, आप लोग भी देखो। मम्मी ये कैसा लगा? बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बता तुम लोग को कैसा लग रहा है बताओ। बहुत मस्त है ये कुछ याद आया? हाँ ये टाइल्स वही तो नानी के घर में लगाए तेरे। हाँ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्लोर टाइल्स है, मतलब बरामदे और अंडे में लगने के लिए है, और यहाँ टाइल्स का सारा डिजाइन सजा के रखा हुआ था, अच्छे से आके हम चूज कर सकते हैं। मम्मी देख रही है और ये अंकल हर एक चीज का डिटेल। वही तो मैं नहीं जा पाई आई उसकी वजह से, मुझे भी जाने का काम था ना रोहित तेरे साथ। बहुत मस्त मस्त टाइल था यहाँ पे, कोविड है ना इसीलिए, नहीं तो जाते हम लोग सब एक ही साथ। यहाँ पे हमें अंकल बता रहे थे एक डिजिटल टाइल्स होता है और एक मैट, एक 3D टाइल्स होता है, तो 3D वाला सबसे सुंदर लग रहा था, तो हमने अपने रूम के लिए तो डिजिटल टाइल्स लिया, और ख़ास करके अंकू ने हमें बोला था कि 3D टाइल्स लाने के लिए, और उसके बस उसके ही रूम में 3D टाइल्स लगा है। हाँ जो मुझे बहुत पसंद, तो अभी टाइल्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कौन कौन से टाइल्स लिया है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत सारा हार्डवेयर का चीज़ है, देखते हैं क्या क्या है, बहुत मस्त मस्त चीज़ है, सुंदर सुंदर, चलिए दिखाता हूँ। तो रोहित जब घर बनाएगा ना तो ऐसा ऐसा डिजाइन लगाएगा, ठीक है मम्मी ये सब? हाँ सही लगा रोहित, तेरे ही भी उम्मीद की हूँ, लगाना। Okay. हाँ रोहित और ऐसा नहाने वाला लगाएगा, ठीक है? कैसा ये वाला? हाँ। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं, हमारा सामान लोडिंग हो चुका है, लोडिंग हो रहा है, तो अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे, अभी यहाँ पे लॉकडाउन भी होने वाला है, तो चलिए।
तो ये नेक्स्ट डे है, मैं और पापा जा रहे हैं। फर्स्ट डे सारा टाइल्स नहीं आ पाया था, तो मैं और पापा नेक्स्ट डे दूसरा और बाकी टाइल्स लाने जा रहे थे। अंकु है जो जब भी बाहर जाते तो अपने मुंह पे ये डाकू जैसा ये चुन्नी बांध लेती है। तो क्या करूँ, टैन हो जाएगा ना धूप की वजह से। हम लड़कों को नहीं होता है तो ऐसे बांधो, कौन मना किया, होता तो है। और उस दिन आसमान कितना मस्त लग रहा था। जैसे कि डबल चार्ट क्या होता है कि मतलब इसमें लेयरिंग मतलब पॉलिश जो होती है ज़्यादा होती है, तो जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होता है डबल चार्ट टाइल्स मतलब लगाना ज़्यादा बेटर। इसमें ऊपर अगर घिसा भी तो थोड़ा शाइनिंग रहता है। जैसे रूम में हो गया, जैसे कॉरिडोर वाला लाइट में हो गया, आप रूम में भी दे सकते हो, कॉरिडोर में भी, मतलब अगर ज़्यादा मूव भी हो जाती है तो इसकी शाइनिंग नहीं जाती है, शाइनिंग ज़्यादा बेटर है। ये डबल चार्ट का ही है तो इसलिए तो मैं ये राय दूँ तो डबल चार्ट लगाना ज़्यादा बेटर इसमें, और बहुत ज़्यादा रेट में भी फर्क नहीं होता है। तो यहाँ मैं और पापा गए सीढ़ी का टाइल्स लेने के लिए और बाथरूम के आगे का टाइल्स लेने के लिए। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स के टाइल्स थे और कलर भी बहुत अच्छे अच्छे थे, है ना मम्मी, देखो सारा मस्त लग रहा है। हाँ बहुत ही सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसमें अलग अलग ब्रांड के भी थे, इसके अलग अलग क्वालिटीज़ भी थी, तो अगर आप घर के लिए अपने टाइल्स ले रहे हो तो हर चीज़ देख के लेना। और हाँ, सीढ़ी पे अगर आप टाइल्स लगा रहे हो ना तो ग्रीन कलर का मत लगाना, क्योंकि उसका कलर फिर चला जाएगा, हो सके तो आप ब्लैक। तो यहाँ अंकल पानी मार के दिखा रहे कि इसका ओरिजिनल कलर कैसा आएगा, क्योंकि बाहर धूप में रखा हुआ था, मट्टी मट्टी हो गया। मम्मी इन सब के डिजाइन कैसे लग रहे हैं? बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये लेती लेकिन ना ये छोटा लगा मेरे को, इसलिए नहीं लिया। और पता है यहाँ पे आगे क्या हुआ? मेरा क्लास चल रहा था, मैं अपना ऑनलाइन क्लास कर रही थी और मैम ने अचानक से मेरा नाम ले लिया। मैम पूछ रही थी कोई डाउट है, मुझे लगा रोल कॉल ले रही है मैम, इसलिए मैंने यस मैम बोल दिया। तो देखना अभी वीडियो में, ये सब भी बहुत सुंदर लग रहा है ना, हम घर पे लगा सकते थे पर पहले आइडिया नहीं आया, बहुत मस्त है। लेकिन ये सब छोटा छोटा था इसलिए मैंने लिया नहीं, पापा बोल रहे थे ले लूँ क्या। प्रेजेंट मैम, ये प्रेजेंट मैम नहीं है, पैदावड़े से लगी? नो मैम। और आने पड़े सर? तो वहाँ पे कुछ कुछ पसंद नहीं आया तो हम फिर से रोहित जहाँ पे गया था ना वहाँ पे मैं और पापा लेकर गए, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर था, तो वहीं से ले लेना था ना, बहुत कॉस्टली था वहाँ पे। और रोहित लगाएगा अब, ये देखो ये सब देखो कितने मस्त मस्त है। हाँ ये सब बहुत सुंदर लग रहे हैं अंकिता। हाँ जो टाइल्स के ऊपर जो लगता है वो तो बहुत भारी होता है। हाँ अच्छा, इस पे उठा के लाए थे ना वो लोग? यहाँ पे भी इस पे उठाया था, वो बहुत भारी, तो कैसे उठाते इसलिए इस पे ऊपर उठा के लेके आए थे। मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा। हाँ ये आइडिया लेकिन अच्छा है, वजन भी इसका ज्यादा रहता है। और पता है वहाँ पे हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि सारी दुकान बंद हो, मतलब यहाँ पे है कि 12 बजे सारी दुकान बंद हो जाएंगे, तो सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये हमने ये मंगवा के बहुत मुश्किल से मिला हमें ये गाड़ी, और इसको बुला के हमने सामान लोड करवा दिया था। और ये देखो हम निकले भी नहीं थे, दुकान बंद कर दिया था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, यहाँ पे बहुत रूल्स वगैरह लगा के। रोहित और उसके पापा ने ये टाइल्स का डिजाइन लिया है, तो अंकिता को कौन सा पसंद है अंकिता, आगे बताओ। मुझे 3D पसंद है, लेकिन मैं बोल रही थी मुझे मुझे तो ये है वो डिजिटल है ये वाला। रोहित कौन सा पसंद है तुझे बता? ये पसंद है, ये 3D है, ये डिजिटल है। रोहित को ये पसंद है और पापा को ये पसंद है, नहीं और मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये डिजिटल है। आप लोग यही बता दीजिए तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ना। रोहित बता कुछ सबको, पूरा घूमने लगे तो कितना मजा आएगा देखिए। यहाँ पे अंकिता बैठी आ नहीं रही सामने, पीछे से बोलेगी, बोल दे पीछे से कुछ भी, मुंह लटका के क्यों बैठी है सबको बता। नहीं वो टाइल्स के लिए बैठी है कि सब भाई की, मैं बोल रही थी तीनों रूम में एक ही कलर टाइल्स लगेगा, एक रूम में अलग है बाकी सब घर एक ही जैसा रहेगा, तो कैसा लगेगा वो रूम भी अलग है। पता नहीं मुझे तो वही टाइल्स जैसा जो आपको दिखाई वही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है तीनों में जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए प्लीज़। तो चलिए फिर मिलती हूँ, ये इन लोगों को फिर कॉल कर लूँ कौन सा टाइल्स कहाँ लगेगा। चलिए इस वीडियो के यहीं एंड करती हूँ, आगे की वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हम लोग का टाइल्स आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है अगली वीडियो, तो देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो के यहीं एंड करती हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तब तक बाय बाय।